नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनील डोगरा। एक बार फिर से डोगरा फ्रेंडशिप सेना की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। बताते चलो, जिस प्रकार से कल की जो घिनौनी हरकत की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से। क्या कुछ कहना है यहाँ पे? पाकिस्तान। अरे जो पुंछ के अंदर कांड हुआ है, जिसके अंदर एलाइव लोगों को भून दिया गया केमिकल डाल करके, हम वहां के विदेश मंत्री को हिंदुस्तान के अंदर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कंडेम करता हूं और सरकार से चेतावनी देना चाहता हूं, पाकिस्तान का विदेश मंत्री अगर हिंदुस्तान के अंदर आया तो इनसे ईंट बजा करके रख लेंगे। कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटी है, जिसमें 6 लोग हमारे हिंदुस्तानी, हमारे जो आर्मी के लोग हैं जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, इनका बदला हमको लेने पड़ेगा। माननीय राजनाथ सिंह जी, एक बार जिनके घर के अंदर खाने को नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, जिनके घर के अंदर आटा नहीं, जो अभी ईद मना रहे हैं और ईद मनाने पर उनके पास आटा खाने को नहीं है, लेकिन मिलिटेंसी के अंदर अपनी व्यवस्था बनाने के लिए हथियार जरूर है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये जो पूरी घटना घटी है, अब दूसरा बालाकोट अगर होगा तब जाकर के हिंदुस्तानियों की राहत सांस के अंदर मिलेगी। इसलिए चढ़ाई करो, अटैक करो और सीधा हमला करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो देखा आपने, अशोक गुप्ता की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। साफ तौर पर उन्होंने मांग की है कि सरकार को चाहिए जल्द से जल्द पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए। इस तरह की घिनौनी हरकत बार बार हो रही है। वहीं पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार पाकिस्तान की तरफ से घिनौनी हरकत की गई है। और थोड़ी देर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था पाकिस्तान की घिनौनी हरकत को लेकर। और वहीं पर आज अशोक गुप्ता की तरफ से भी ये मांग की गई है जल्द से जल्द पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए। देखते रहिएगा दिल्ली द लेटेस्ट
न्यूज कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।